पर लटका देना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देना चाहिए। मासूम के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि कानून का खौफ ही इन दुष्कर्मियों को ठीक कर सकता है, तभी दूसरे अपराधियों के मन में डर पैदा होगा और छोटी बच्चियों के साथ घटनाओं पर लगाम लगेगी। ये दुख की बात है। और अब देखिए, उषा ठाकुर जो कि मंत्री पूर्व, उनकी तरफ से कहना है कि सार्वजनिक चौराहे पर इन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। क्योंकि कठोर कानून तो मध्य प्रदेश ने बना दिया कि इनको फास्ट ट्रैक में मुकदमे चला के 30 दिन में इनको फांसी की जाएगी, इसके बावजूद भी ये डर नहीं रहे तो सिर्फ कानून का भय इनकी दुष्वृत्तियों को उखाड़ कर नहीं फेंक सकता। मुझे लगता है कि दंडात्मक प्रक्रिया में भी कुछ और सुधार करने होंगे। अपराध करता है आदमी एकांत में, उसको सजा भी हो जाती है जेल के अंदर एकांत में कि इसको फांसी हो गई। ऐसे छोटी बेटियों के दुष्कर्मियों को मेरी प्रार्थना है कि सार्वजनिक चौराहों पर फांसी पर लटकाया जाए, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाए, चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खाएं। तो ना केवल उषा ठाकुर बल्कि इस तरह की घटनाएं जो भी सुन रहा है उनके दिल से एक ही आवाज आ रही है कि इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि ये जन्मों जन्मों तक याद रखे। प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। प्रदेश में लगातार रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब वेंटिलेटर पर आ गई है। हालांकि चार घटनाएं अगर एक साथ आ रही हैं तो कोई भी यही कहेगा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अगर कानून व्यवस्था चाक चौबंद होती और सख्ती बढ़ती जाती तो इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था, परंतु जब घटना हो जाती है, पीड़िता को न्याय की आस होती है तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लाचार नजर आती है। पहली बात तो पीड़िता के बयान FIR दर्ज नहीं की जाती, बहुत दिनों तक उन्हें परेशान किया जाता है और सतना में फिर से जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था अपराधियों के ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही, क्यों सख्त कार्यवाही नहीं कर पा रही। इससे पहले सतना में पास्को एक्ट के तहत एक पीड़िता जब न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराने गई थी तो न्यायालय से उसका अपहरण कर लिया गया। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे। तो सुना आपने, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर पर अब कानून व्यवस्था आ चुकी है। मेरे साथ अमित जायसवाल मेरे संवाददाता के साथ जुड़ गए हैं खंडवा से, और अमित शर्मा मुरैना से मेरे साथ है, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से साथ जुड़ गए हैं और प्रवीण तंवर हरदा से साथ जुड़े हैं। आज यही जानेंगे कि ये इलाके कितने सुरक्षित है। खंडवा से शुरू करते हैं। अमित, खंडवा कितना सुरक्षित है? खंडवा में जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के शहर शहर दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं, खंडवा भी इससे अछूता नहीं, समय समय पर यहाँ भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो लगातार अपना काम कर रही है। कानून लगातार अपना काम कर रही है। कुछ मेरे साथ लोग हैं, वकील भी हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए, बताइए किस तरह से देखते हैं आप इस तरह के जब मामले सामने आते हैं। आज महिलाओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि महिलाओं ने अपनी हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, लेकिन जब उनकी सेफ्टी की बात होती है तो वो पूरी तरीके से सेफ और अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पाती, क्योंकि अभी पूरे टाइम तो आपके साथ कोई घर के या परिवार के लोग साथ में नहीं हो सकते ना। तो इस दिशा में सरकार को और सभी समाजजन को और सभी को मिलकर सोचना भी होगा और प्रभावकारी कदम भी उठाने होंगे। बिल्कुल, सभी को सोचना होगा और प्रभावशाली कदम भी उठाने होंगे। शहर शहर दरिंदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ा गंभीर जघन्य अपराध है, इन अपराधों को रोकना बहुत जरूरी है और मैं अधिवक्ता से बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधों में ना पैरवी ना करें और उसके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमजोर रहा है और प्रशासन उसकी ताकत से अपना काम करेगी तो निश्चित रूप से। और ये बात वाकई में जितनी कार्रवाई की जाती है उतना ही इस चीज को बल मिलता है। और बड़ी बात यहाँ पर वकील कहते नजर आ रहे हैं
किस तरह के मामलों में पैरवी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ मुरैना से अमित शर्मा भी हैं। अमित शर्मा, मुरैना के हालात क्या है? मुरैना में क्या इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग रहा है? कोई अपने बच्चों की तरह तो अमित से क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं मिथिलेश की ओर जाऊंगी। इंदौर से मिथिलेश मेरे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, इंदौर में बीते कई दिनों से क्राइम ग्राफ जो है वो बढ़ा है। देखें, अगर तो आज ही की बात है, बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है बदमाशों में कह लीजिए या दरिंदों में कह लीजिए, इस तरह के मामले इंदौर से भी सामने आ रहे हैं। मिथिलेश, देखिए, मिनी मुंबई की महिलाएं जो इस वक्त मेरे साथ हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग इस वक्त अपने आप को, और शहर शहर जिस तरीके से दरिंदगी की घटना सामने आ रही, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सेफ्टी की बात आप जहां तक करते हैं, तो आजकल कहीं भी कुछ किसी भी शहर में कहीं भी ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही है, 5 साल तक की बच्ची को नहीं छोड़ा जाता है, तो हम सेफ, तो हमें लगता है कि हम कहीं पे भी नहीं है सेफ जी। और हमें ऐसा लगता है कि हम सभ्य समाज में नहीं रह रहे हैं, जानवरों के बीच में रह रहे हैं जो ये दरिंदगी करते हैं जिस तरह से, तो सुरक्षित तो कहीं भी नहीं लगता। कहां से कौन दरिंदा निकल के आएगा हमको नहीं पता जी। क्या लगता है, क्या सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को, इन दरिंदों को? इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जी। सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए और तुरंत इनका निर्णय लेना चाहिए। हमारी जो न्याय प्रणाली है वो इतनी फ्लेक्सिबल है हर उसके अंदर, तो पहली चीज तो होता है जब कहीं भी होता है रेप केस, तो उसके एविडेंस को छुपाने की कोशिश की जाती है, तो एविडेंस के उस कमी के कारण वो उसको प्रॉपर सजा ही नहीं मिल पाती है, वो फांसी तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इस चीज पे पहले, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इस पे कार्य किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, और इतना खौफ हो कि अगली बार कोई ऐसा करने से पहले ही सिहर जाए और वो ऐसा काम करे ही ना। फटाफट सभी महिलाओं से एक रिएक्शन लेते हैं, क्या लगता है आपको, क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि जैसे ये लड़की को टॉर्चर करते हैं, वैसे इनको भी टॉर्चर कर करके फांसी पर लटकाना चाहिए, ताकि इन्हें उस लड़की का दर्द का एहसास हो कि उनने जो दिया है। जब इन घटनाओं को आप सुनती हैं, मन में कितना डर होने लग जाता है, कैसा आप लोगों को फिर? 10 बार सोचना पड़ता है कि बाहर कैसे निकले कैसे नहीं निकले, क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं है। और जब तक इस देश में सख्त कानून हो, इससे भी ज्यादा नहीं होगा जब तक ये रेप केस नहीं रुकेंगे, लगातार बनते ही रहेंगे, क्योंकि हर कोने पे रेप ही रेप है। अब मन में क्या कुछ आता है जब आप लोग पढ़ती हैं 5 साल की मासूम बच्ची के साथ में, 10 साल की, 8 साल की, इन मासूम बच्ची के साथ में हैवानियत की घटना हुई है? मेरा तो ऐसी इच्छा होती कि उन लोगों को ऐसे काट काट के फेंक दूं मैं, जो रेप करते बेचारी बच्चियों की, मतलब उनकी भावना, उनकी आत्माओं को जो ठेस पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं तो फांसी की सजा डायरेक्ट सजा। आपको भी लगता है न्याय? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये नहीं होगा हमारे देश के अंदर, जब तक डर नहीं पैदा होगा कि हम गलत काम कर रहे हैं और इस तरह से फांसी पे लटकाया जाएगा सरेआम, जैसे कि इन्होंने भी बोला कि जो उनको टॉर्चर मिलता है वो टॉर्चर उनको भी दिया जाए, तो उससे लोग डरेंगे और शायद ये अपराध कम होंगे फिर हमारे, और बंद ही हो जाएंगे, नहीं हो। मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे आदमी सरेआम घूमता है आराम से, वैसे हमारी महिलाएं भी इस देश में सुरक्षित घूम पाए। लेकिन अभी लग रहा है कि घूम पा रहे कि नहीं घूम पा रहे? नहीं घूम पा रहे ना, मैंने पहले भी बोला कहां से कौन। परिवार की बच्चियां सब उनको पूछने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। प्रवीण भी मेरे साथ जुड़े हैं हरदा से। प्रवीण, हरदा कितना सुरक्षित है? आप लोगों के साथ में खड़े हैं, आप उनसे बातचीत करिए, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ रहा है। यहाँ समाज में लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं, जो घिनौनी सोच वाले व्यक्ति हैं वो लगातार जो है समाज के बीच घूम रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ हरदा में कुछ लोग मौजूद हैं, वो ये क्या सोचते हैं इस तरीके के घटनाक्रम को लेकर, आप बताइए, आज जो हरदा में घटनाक्रम हो, लगातार समाज में ऐसी घटना है, क्या सोचते हैं आप? मैं मेरे व्यक्तिगत विचार रखता हूँ, कम से कम होना चाहिए, हर समाज सर्वोपरि है। समाज में जो ऐसी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के खिलाफ समाज को भारी होना चाहिए, हर समाज को ऐसे निंदा करना चाहिए। एक माँ शब्द, एक माँ की छोटी बच्ची के साथ ही होता, तो दिन दहलाने वाली घटना है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि समाज को खड़ी होना चाहिए, वो व्यक्ति सबके अंदर होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का समाज को सहयोग करना चाहिए, सारी व्यवस्था होना चाहिए।
दूसरा मेरा ये मानना है जितने भी हमारे राजनीतिक नेता हैं उनके लिए कानून जो हमने पहले मेरे दादाजी कहते थे उनके मुंह से सुना था अंग्रेज के जमाने में एक कानून था जिंदे जी उसके घर में खिलवा देते, जब तक ये कानून नहीं आएगा ये व्यवस्था नहीं होगी, जब वो जिंदे जी तड़प तड़प के नहीं मरेगा तब तक ये दरिंदा बंद नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए भारत देश में माता और बहनों को सम्मान दिया जाता है, मगर यदि ऐसा कुकृत्य करने वाले हैं तो प्रशासन को इसके प्रति इतनी सख्त कार्रवाई और इतना सख्त कानून बना देना चाहिए कि जिससे आने वाले समय में जो जो भी व्यक्ति ये कुकृत्य करना चाहे तो उसको पनिशमेंट मिल जाए कि कम से कम इतना तो नहीं करे। सरकार ने कानून तो बनाया है लेकिन फिर भी उसको बारिश नहीं, सरकार ने कानून बनाया मगर प्रशासनिक लोगों ने उस कानून का पालन नहीं करते ना, प्रशासन लोगों ने कानून का पालन करे तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते ना, कहीं राजनीतिक दबाव आ जाता है, कहीं उनका जो है किसी का शोर से लग जाता है, उन व्यक्तियों को कम से कम इतनी कड़ी सजा होना चाहिए कि राजनीतिक वाले भी घबराने लगे उससे। भैया आप क्या सोचते हैं? सजा देनी चाहिए और मतलब सभी के लिए चीज लागू हो जाना चाहिए ताकि व्यक्ति कुछ भी ऐसा सोचने से पहले डरे, करना तो दूर की बात है सोचने से पहले ही डरे। मेरा कहना मतलब सरेआम फांसी होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? यही उनको सजा मिलना चाहिए कड़ी से कड़ी। कैसे सजा मिलना चाहिए? कड़ी सजा, लेकिन लोग तो मान नहीं रहे हैं, अभी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मेरे हिसाब से तो उसको नंगा घुमाया जाए पूरे शहर में उसका काला मुंह कर जगह जगह पोस्टर लगाया जाए, उसके परिवार के लोगों को साथ में रखा जाए कि भैया ये आपके बच्चे ने करा है, तब उसके परिवार को समझ में आया कि मेरे बच्चे ने गलत करा है। क्या होता है पारिवारिक जो रहता है उससे श्रेय मिलता है। देखिए ये गुस्सा और आक्रोश है लोगों का, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कोई भी यही सोचता होगा कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसको ये पता चलता है या उसके परिवार वालों को पता चलता है कि आखिर असली दुख होता क्या है। हम सुन भी रहे हैं लोगों से कि वो क्या समझते हैं इस बारे में। अमित जायसवाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं खंडवा से। अमित, आपके साथ भी अगर कोई मौजूद है तो आप जरूर उनसे एक रिएक्शन लीजिए कि इस तरह की घटनाओं पर उनका क्या कहना है, किस तरह की सजा वो एक्सपेक्ट करते हैं और क्या खंडवा सुरक्षित है। जी, जैसा कि मेरे साथ वकील मौजूद थे उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों की पैरवी करने से भी कहीं ना कहीं वो बचेंगे इस तरह के जो अपराधी हैं उनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरिंदगी के मामले शहर शहर हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कई बार गुस्सा आक्रोश सामने आता ही है लोगों का। और अभी हम सुन भी रहे हैं कि अलग अलग शहरों से किस तरह से प्रतिक्रिया भी आ रही है, लोगों में गुस्सा भी है आक्रोश भी है और लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो अब वकील भी जो है इस तरह के अपराधी की पैरवी करने से बचेंगे। बिल्कुल मिथिलेश, आप महिलाओं के साथ मौजूद थे, महिलाओं ने कहा कि जिस तरह का टॉर्चर वो करते हैं उसी तरह का टॉर्चर उनके साथ भी होना चाहिए, और इससे ये पता चलता है कि मौजूदा समय में जो एक पूरी प्रक्रिया है उससे कोई संतुष्ट नहीं है, दरिंदगी की सजा ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। क्या महिलाएं ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाएं यही कहना चाहती हैं कि जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा तत्काल मिले। जिनसे हमने बातचीत की थी अभी इस दौरान भी कुछ कह भी रही थी कि इनके मन में बहुत गुस्सा है, जब भी ये सुबह उठती हैं और ऐसी खबर जब ये सुनती हैं तो इनका खून खोल उठता है। हाँ सर, मेरा तो वाकई खून खोलता है कि ऐसे लोगों को तो घसीट घसीट के मारना चाहिए ताकि एक मिसाल हो, ताकि हर आदमी जात में ये डर पैदा हो कि किसी लड़की का रेप करे कि नहीं करे। सीधा सा मतलब ये है कि अब ये हैवानियत बर्दाश्त नहीं हो रही। हैवानियत बढ़ती ही जा रही है, आप कितने भी कानून निकाल लो जब तक इस देश में सख्त कानून नहीं निकलेगा जब तक इस देश में ये ऐसी घटनाएं रुकेगी ही नहीं। कुछ आप भी कह रही थी कि अब लड़कियों को बेटियों को भी सशक्त बनाने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही थी। बिल्कुल, ये तो कानून से जो हमारी है कि वो उसको चेंज करे, इस पे एक्शन ले। साथ ही साथ मेरी गुजारिश है हर बेटी की माँ से, हर उनसे कि वो अपनी बच्चों को भी सशक्त बनाए, कि जैसे मैं खुद, मेरी एज 58 है, मैंने डोले शोले बना रखे, मैं रात को 2 बजे भी स्कूटर पे घूमती हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि मैं फाइट कर सकती हूँ। तो ऐसी ट्रेनिंग हमारे बच्चों को भी देनी चाहिए, आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग हर लड़की को देना कंपलसरी है। और देखिए इसी से जुड़ी खबर है,
उषा ठाकुर और एक कहावत भी है, विदेश के पराठे से पहले कराटे सिखाओ लड़कियों को। हालांकि हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई बार हम उस तरह के सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेंटली बहुत प्रेशर होता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे यही समझ में आता है कि अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की और साथ ही इस तरह के दरिंदों को सजा देने की भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक नजर